नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD का पेपर नंबर 5, जो है आपका करिकुलम डेवलपमेंट। इसकी यूनिट नंबर हम लोग 4 की बात करेंगे, और इसके पहले यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 तक आपकी वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो वहाँ पर आप जा कर के वीडियोस को देख सकते हैं। यूनिट 4 में कहा जा रहा है, 4.1 के अंतर्गत आपका कहा जा रहा है कि बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए पाठचर्या को डिज़ाइन कैसे किया जाएगा। जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, जो हमारे बौद्धिक अक्षमता वाले छात्र हैं, वाले छात्रों के लिए पाठचर्या डिजाइनिंग इस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, आप सभी को पता है कि इनको पढ़ाने के लिए पाठचर्या सामग्री जो होगी वो भी बेहतर या अलग ढंग से जो है उसको आवश्यकता में लाया जाएगा। और क्योंकि बच्चों में बौद्धिक अक्षमता है या बौद्धिक दुर्बलता है, तो इससे ये बच्चे बहुत ज़्यादा कक्षाओं तक या बहुत ज़्यादा एकेडमिक जो सेवाएं हैं इनको हम लोग प्रदान नहीं करा सकते। इसके लिए इन्हें सभी सामग्रियों की प्रक्रिया व अलग अलग योजना इनको बनाते हुए, जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इनका व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रोग्राम यानी कि IEP की आवश्यकता इनको होती है। और जो भी गतिविधियां कराई जाएं, उसमें बच्चा क्या स्वतंत्रता उनमें बच्चा स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, ऐसी गतिविधियां कराई जाएं। विभिन्न दृष्टिकोण जहाँ पर बच्चा सफल हो सके, सफलता की ओर बढ़ सके, ऐसी गतिविधियों को कराया जाए। हम देख सकते हैं कि विशेष शिक्षा में जैसे कि नियमित शिक्षा होती है, इस प्रकार से पाठ्यक्रम को समाज की ज़रूरतों के विश्लेषण के रूप में तैयार किया जाता है। एक अच्छे पाठ्यक्रम और बौद्धिक अक्षमता के जो बच्चे हैं, इनकी सामाजिक दक्षता इनको कह सकते हैं प्राप्त कराई जाए, और इन्हें स्वतंत्र प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ाया जाए। इन बच्चों को हम एकीकरण शिक्षा के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा पठन लेखन अंकगणित समय ज्ञान, इन सभी के द्वारा संबंधित कौशल हैं इनमें शामिल किया जाए। जो भी कह सकते हैं बच्चे का प्राकृतिक वातावरण है, इनमें महत्वपूर्ण रूप से बच्चे के लिए सीखने के कौशल इनको बढ़ाया जाए, या जो भी हमारे मंदबुद्धि या मध्यम गंभीर बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए जो पाठचर्या कार्यात्मक गतिविधियां हैं इन पर जोर दिया जाए। दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप इनको सिखाने हैं, व्यक्तिगत सामाजिक व्यवसायिक मनोरंजन गतिविधियां, इनमें शामिल किया जाए, और ऐसे पाठ्यक्रम को बनाया जाए जिसमें इन सभी कौशलों का विकास हो सके। जो भी कौशल बच्चे के शामिल करने हैं, उन्हें सीखने की क्षमता जो है वो बच्चे की बेहतर की जाए। जो भी वांछनीय व्यवहार बच्चा कर रहा है, उस व्यवहार को बेहतर बनाया जाए, और जो अवांछनीय व्यवहार है बच्चे का, ऐसा व्यवहार जो हमारे समाज के लिए या उसके लिए उपयोगी नहीं है, उस व्यवहार को जो है कम किया जाए। इसके तहत जो भी कार्य सिखाया जाए उसमें कार्य विश्लेषण किया जाए, मॉडलिंग की जाए, आकार दे करके संकेत के माध्यम से, इनके माध्यम से चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। और जो भी तकनीकी है बच्चों को, उसके द्वारा पाठ्यक्रम बनाया जाए, और नई नई तकनीकों को भी वहाँ पर शामिल किया जाए।
प्रतिकूल तकनीकों को शामिल किया जाए जिससे बच्चे की जो शिक्षा है उसमें उसको ताकत मिल सके, उससे उसको बेहतर बनाया जाए, लचीलेपन को बेहतर बनाया जाए बच्चे के, और बच्चे को अनुकूलित करके सक्षम किया जा सके जिससे कि बच्चा बेहतर सीख सके। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका 4.2 की। 4.2 में कहा जा रहा है सामाजिक, व्यक्तिगत सामाजिक, कार्यात्मक, व्यक्तिगत सामाजिक कार्यात्मक, शैक्षणिक और व्यवसायिक और मनोरंजन या मनोरंजक कौशल। इनके ये जितने भी आपको कौशल दिए गए हैं इनके बारे में बात की गई है आपके 4.2 में। तो कहते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पर्सनल स्किल्स या व्यक्तिगत कौशल। तो कहेंगे व्यक्तिगत कौशल बच्चे का खाना पीना, शौच करना, स्नान करना, कपड़े पहनना, ये चीज़ें जो होती है बच्चे की व्यक्तिगत होती हैं। इसमें अगर बच्चे का गतिविधियाँ करानी हैं तो हमें ये देखना होगा कि बच्चे का गामक कौशल, जैसे सूक्ष्म गामक कौशल और स्थूल गामक कौशल, और भाषा और संचार की जो कौशल हैं इनकी आवश्यकता होती है। बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल है, लैंग्वेज स्किल है, इसकी आवश्यकता होती है। पानी पीना, स्नान करना, शौच क्रिया करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके व्यक्तिगत कौशल के अंतर्गत आती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से कौशलों को बेहतर बनाया जाता है। इसमें खाना और पीना यानी कि ईटिंग और ड्रिंकिंग, बच्चे अगर भूख लगी है अक्सर समझते हैं या अवसर देते हैं भूख लगने पर खाना खाना, प्यास लगने पर पानी पीना, और ऐसे ही कह सकते हैं हम लोग बच्चे के लिए जो भी खाना ख़त्म हो गया है तो उसकी देखभाल करना, या सामने जो भी खाना रखा है बहुत ही हिसाब से खाना, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, गिलास में कैसे पानी लिया जाएगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपके जो कह सकते हैं कि आपका पर्सनल स्किल है या व्यक्तिगत कौशल है इसमें ये बात की जाती है। ऐसे ही पानी पीने के अंतर्गत ग्लास को कैसे पकड़ा जाए, दोनों तरफ से ग्लास को कैसे पकड़ा जाए, कह सकते हैं कि जो भी पेय पदार्थ है उसका चुनाव क्या किया जाए, यानी कि बच्चा पानी पीना चाहता है या बच्चा जूस पीना चाहता है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें। ऐसे ही बच्चे का टॉयलेट कौशल यानी कि शौचालय कौशल, इसमें भी उचित समय, आखिरकार जब बच्चा टॉयलेट में जा रहा है तो उसका समय क्या है जाने का, एक उचित समय होना चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि बच्चा कैसे दरवाजे को बंद कर रहा है या खोल रहा है, और शौच क्रिया होने के बाद में हैंड वॉश कर रहा है या नहीं कर रहा है कौशल को, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके शौचालय कौशल का एक हिस्सा है। पैंट को सही से खोल रहा है या नहीं खोल रहा है, पैंट खिसका रहा है या उसे दरवाज़ा बंद करने की सलाह, ये सभी चीज़ें जो आपके शौचालय कौशल के अंतर्गत आएंगी। ऐसे ही आपका बाथिंग स्किल यानी कि स्नान का कौशल, तो उसमें भी जो चीज़ें देखने को है, तौलिया हुआ, बाथरूम में जाना हुआ, गेट बंद करना हुआ, कपड़े निकालना हुआ, ये सारी चीज़ें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा बच्चे को, गोपनीयता का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप अंदर जाओगे दरवाज़ा बंद करोगे, छोटे तौलियों का प्रयोग, बड़े तौलियों का प्रयोग, रुमाल का प्रयोग, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाए बच्चे को। ऐसे ही बच्चे की ब्रशिंग का कौशल, भोजन करने के बाद में या सुबह उठने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, दांत को साफ करते हैं, तो ऐसे ही बच्चे को भी हम लोग दांत की सफाई के बारे में बताएं, इसका प्रशिक्षण दें, और बच्चे को दर्पण के सामने खड़ा करें यानी शीशे के सामने खड़ा करें जहाँ पर बच्चा बेहतर रूप से सीख सके। ऐसे ही ड्रेसिंग कौशल और ग्रूमिंग कौशल, तो इसमें क्या है, ड्रेसिंग में अगर बच्चा मान लीजिए
कपड़े कौन से पहन रहे हैं, जिप उसमें लगी है या बटन लगी है या हुक लगा है या फीता लगा है या रिबन लगा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बच्चा सही से पहन पा रहा है या नहीं पहन पा रहा है, पैंट को उतारा कैसे जाएगा, या हम कह सकते हैं जो भी और भी सामग्रियां जो भी बच्चे के पहनने के लिए हैं, तो इन सभी सामग्रियों में यह ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा शर्ट को उतार सकता है नहीं उतार सकता है, बच्चा शर्ट को पहन सकता है नहीं पहन सकता, अगर पहन नहीं सकता तो उसके लिए हम क्या अनुकूलन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही ग्रूमिंग यानी कि सजना संवरना, खास करके जो लड़के होते हैं देखने को मिलता है केवल बाल अपने बना लिए, थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर कर लिया, काम हो गया। लेकिन लड़कियों के लिए बड़े बाल भी होते हैं, है ना, उनको बिंदी भी लगानी होती है, चप्पल जूते जो उनके होते हैं वो भी ड्रेस के हिसाब से पहनने होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी कौशल जो होता है वो कठिन माना जाता है, ग्रूमिंग का कौशल या सजने संवरने का कौशल। ऐसे ही आपका दूसरा, अगर हम बात कर लेते हैं, ये सब तो आपका पर्सनल स्किल था, अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक कौशल की, हम लोग कह सकते हैं सोशल स्किल्स। सामाजिक कौशल या सोशल स्किल तो हम कह सकते हैं कि बौद्धिक अक्षमता वाले जो बच्चे होंगे इनके लिए जो समूह हैं, उपयुक्त समूहों के साथ उचित सामाजिकरण कौशल की कमी जो है वो देखने को मिलेगी। छोटे बच्चे खेलने की प्रवृत्ति में रखेंगे, इसके लिए विभिन्न स्थितियों और वातावरणों के जो सामूहिक व्यवहार है उसको सिखाने की ज़रूरत होगी। सीखने के लिए कौशल, पास पड़ोस समुदाय स्थितियों का प्रयोग करना, खेल का मैदान कह सकते हैं, दोपहर के समय भोजन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामाजिक कौशल के अंतर्गत आएंगी। सुबह मॉर्निंग करना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, किसी भी खेल में सहभागी बनना, गतिविधियाँ करना, नियमित रूप से परिस्थितियों को बेहतर बनाना, तो ये सारी चीज़ें आपके सामाजिक कौशल के अंतर्गत आएंगी। ऐसे ही कार्यात्मक कौशल, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ स्किल, फंक्शनल और कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग स्किल, ये सारी चीज़ें आपके कार्यात्मक कौशल के अंतर्गत आएंगी, जिसमें एक छात्र को स्वतंत्र रूप से जीने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण लक्ष्य जितना संभव हो सके बच्चे को स्वतंत्र बनाना और भावात्मक, बौद्धिक, शारीरिक रूप से बच्चे की अक्षमताओं को देखते हुए कार्यात्मक रूप से बच्चे को क्या कह सकते हैं, परिणाम की स्वतंत्रता का समर्थन करना। ऐसे ही बच्चे का लाइफ स्किल यानी कि बच्चे का जीवन कौशल, बच्चे का लाइफ स्किल या जीवन कौशल, इसमें भी बच्चे को स्वयं सहायता कौशल हुआ, समझ जाना हुआ, सरल अनुरोध हुआ, मॉडलिंग हुआ, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम बच्चे को व्यवसाय विशिष्ट कौशल हुआ, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं, बच्चे को, बच्चे के कौशल को, इस जीवन कौशल के माध्यम से जो भी हमारे संज्ञानात्मक, बौद्धिक या बहुत दिव्यांगता वाले बच्चे हैं इनको भी हम अवसर दे करके इन कौशलों को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही फंक्शनल एकेडमिक हुआ यानी कि कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल, शैक्षणिक कौशल में आपका गणित का ज्ञान हुआ बच्चे का, बच्चे की भाषा का ज्ञान हुआ, बच्चे का व्यवसाय का ज्ञान हुआ, ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए गणित का ज्ञान, रुपये पैसा, चेकबुक या कह सकते हैं मात्रा, 1, 2, 3 का ज्ञान, ये सारे ज्ञान होने चाहिए। भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए यानी कि जो भी प्रतीक है इनको पहचाना जाए, संकेतों को बढ़ाया जाए, और इसके लिए जो भी शेड्यूल, बाथरूम या दिशा के जो निर्देश हैं, पढ़ना सीखना, ये सारी चीज़ें सीखी जाएँ। ऐसे ही व्यावसायिक कौशल बच्चे का, बच्चे के लिए, क्योंकि हर बच्चा चाहे वो बौद्धिक अक्षम बच्चा हो, इसके लिए जीवन यापन करने की आवश्यकता होती है, हर किसी को पैसे की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए ऐसा व्यवसाय बनाया जाए, ऐसे व्यवसायिक कौशल का उनका कह सकते हैं उनको दिया जाए, जहाँ पर वो बच्चे खाना पकाने, खरीदने और जो भी गतिविधियाँ इनको करने में बेहतर रूप से आगे बढ़ सके। व्यवसायिक स्तर पर जो भी प्राथमिक स्तर इनकी पाठचर्या की सामग्री, इसको न्यूनतम किया जाए। ऐसे ही हम कह सकते हैं बच्चे का मनोरंजन का कौशल, मनोरंजन के कौशल में बच्चे के लिए मनोरंजन का कौशल बच्चे के लिए कह सकते हैं एक बेहतर रूप से जो सकारात्मक प्रणाली है उसमें लाभ में लाया जा सकता है। बच्चे को मनोरंजन करवाना या
कोई भी अगर कार्य कराया जा रहा है उस कार्य को बेहतर बनाना, कार्यात्मक सीमाओं पर आधारित कार्य को कराना, इसके परिणाम स्वरूप मुख्यधारा से जोड़ना बच्चे को और आवश्यकता के अनुसार कार्यात्मक सीमाओं को बेहतर बनाना। तो ये सारी चीज़ें आपकी मनोरंजन कौशल के अंतर्गत आएंगी, जहाँ पर मनोरंजन की बच्चों को मनोरंजन की आवश्यकता होगी, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में जो गतिविधियाँ होंगी बच्चे को मुक्त करेंगे और जो बच्चे का सामाजिक संपर्क है इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपका 4.2 में जितनी भी चीज़ें थी आपको मैंने बता दी। अब आपका और 4.2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, इसको ऐसे से 3 बार स्टार बना करके है ना 4.2 को इम्पॉर्टेंट लगा लेना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 4.3 की। तो 4.3 क्या है इस पर बात कर लेते हैं। तो कहते हैं पूर्व प्राथमिक और जो माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर, इसके लिए पाठचर्या का विकास पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का विकास। तो कह सकते हैं कि बच्चा जब प्री प्राइमरी में होगा तो बच्चे का जो करिकुलम डेवलपमेंट होगा वो कब का होगा, तो कहेंगे 2 से 6 वर्ष का होगा, 2 से 6 ईयर का होगा बच्चे का करिकुलम डेवलपमेंट। तो कहेंगे कि जब 2 से 6 वर्ष का बच्चा होगा तो उसके लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप, प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी। बच्चे के लिए जो भी विकास है उसको बढ़ाया जाएगा। इसमें बच्चे के लिए जो भी NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका जो पाठ्यक्रम है NCERT का पाठ्यक्रम इसका पाठ्यक्रम जो है उसको तैयार किया जाएगा, जिसमें बच्चे का उद्देश्य बच्चे की गुणवत्ता को बढ़ाना, जो भी शिक्षक प्रशिक्षक बच्चे के साथ कार्य कर रहे हैं उनके लिए योजनाकारी हितकारी चीज़ों को बेहतर बनाना, प्रारंभिक हस्तक्षेप के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के लिए विकास को प्रोत्साहित करना, इनकी कठिनाई को कम करना, और जो भी विशेष शिक्षा सेवाएं हैं, इनको शामिल करना, व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करना और बच्चे को प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए कह सकते हैं बच्चे को वाक, बच्चे को भाषा चिकित्सा, श्रवण बेहतर करने के लिए श्रवण यंत्रों का प्रयोग, ऐसे ही फिजियोथेरेपी में बच्चे का मोटर कौशल, बैठना, रेंगना, चलना, इसमें विकास में मदद किया जाएगा। ऐसे ही बच्चे के लिए सहायक प्रौद्योगिकी यानी कि सहायक उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, इसके माध्यम से बच्चे को आवश्यक रूप से हम बेहतर बना सकते हैं। समान अवसर बच्चे को दिए जाएंगे, अवसर के द्वारा, बुनियादी ढांचों के द्वारा, सहायक व्यक्तिगत सहायता के द्वारा सशक्त बनाया जाएगा बच्चे को, और शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप को महत्व दिया जाएगा। ऐसे ही बच्चे का भौतिक वातावरण बेहतर किया जाएगा और जो भी मूल्यांकन या आकलन की प्रक्रिया है इसको भी हम बेहतर बनाएंगे, और कह सकते हैं सकारात्मक सीखने के लिए जो भी प्रोत्साहन है वो भी बच्चे को दिया जाएगा। ये आपका 2 से 6 वर्ष का बच्चा। अब हम बात करते हैं 6 से 9 वर्ष के बच्चे की, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्राथमिक में रख सकते हैं। तो बौद्धिक अक्षमता के कारण, क्योंकि यहाँ पर बौद्धिक अक्षम बच्चों की ही बात हो रही है, तो हम कहेंगे बौद्धिक अक्षमता के कारण इन बच्चों में क्या होता है, विकासात्मक क्षेत्र में काफ़ी देरी देखने को मिलती है, इसलिए इनके जो पाठचर्या कौशल हैं, इनके व्यवहारों को, जो ये व्यवहार एक कम कर पाते हैं और स्वतंत्र रूप से यथासंभव और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से कार्य को ये नहीं कर पाते, इसके लिए इनको मैंने अभी आपको बताई थी पर्सनल स्किल्स, या कह सकते हैं भाषा संचार या कार्यात्मक प्रणाली, घरेलू व्यवसायिक मनोरंजन के कार्य, इन पर जोर दिया जाता है। बच्चे के जो व्यक्तिगत कौशल हैं, जैसे कि आपको बताया गया खाना पीना, सोच की क्रिया, सामाजिक कौशल जो हैं बच्चे के लिए, समाज में रहने के लिए जो भी चीज़ें उपयोगी, मान लिया सुबह उठ के बच्चा नमस्ते कर रहा है, किसी के साथ कैसा बोल रहा है, अपने आयु के अनुसार सामाजिक कौशल अगर बच्चा कर रहा है, सभी के साथ खेल रहा है, वातावरण के साथ में बढ़िया तालमेल बिठा रहा है, तो ये आपका सामाजिक। ऐसे ही बच्चे का व्यवसायिक कौशल,
बच्चे के व्यवसायिक कौशल के लिए, बौद्धिक अक्षम बच्चे को स्वतंत्रता मिल सके, स्वतंत्र जीवन यापन कर सके, और जो भी कौशल है इसको समग्र विकास की ओर बेहतर बनाया जाए। बच्चे के लिए खाना पीना, खरीदारी करना, हाउसकीपिंग करना, इन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, तभी बच्चा जा कर के अपने व्यवसाय को बेहतर कर पाएगा। व्यवसायिक पाठचर्या भी बच्चे को करानी चाहिए। अब क्या है, बच्चा पहुंच गया, बड़ा हो गया बच्चा, यानी कि माध्यमिक स्तर पर पहुंच गया, तो हम कह सकते हैं 10 से 13 या 14 वर्ष का बच्चा हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर भी बच्चे को व्यक्तिगत कौशल, अगर बच्चा पिछड़ापन महसूस कर रहा है, तो अगर बच्चा प्री प्राइमरी और प्राइमरी में पाठचर्या में बहुत पिछड़ापन है, 80% नहीं प्राप्त कर पा रहा है, 80% अंकों को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो ये वही आयु है बच्चे की जहाँ पर हम बच्चे को बेहतर सिखा सकते हैं। बच्चे को क्षेत्रीय भाषा के साथ में हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, इन सभी को हम करा सकते हैं और प्रत्येक विषय में बच्चे की सामग्री को बेहतर कर सकते हैं, प्रत्येक डोमेन में। तो ऐसे ही बच्चे का व्यक्तिगत कौशल, यानी कि बच्चे के खाना पीना, कपड़ा पहनना, ब्रश करना, इन सभी कौशलों को हम लोग बेहतर बनाएंगे। जो कौशल बच्चे के लिए आवश्यक होगा उसको हम शामिल करेंगे और प्राथमिक प्राचर्या जो भी होगी बच्चे की बनाई जाएगी। ये आपकी 4.3 थी, अब ये आपका समाप्त होता है। 4.4 में आपकी ये तीन चीज़ें आपकी पूछी गई थी, तीन एज के बारे में मैंने आपको बता दिया। 4.4 में क्या कह रहा है, 4.4 में आपका पाठचर्या अनुकूलन की बात होती है, पाठचर्या अनुकूलन। इसके अंतर्गत एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन, एडेप्टेशन, इनकी बात होगी, और UDL की बात होगी, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, इसकी बात होगी। क्योंकि आपका UDL जो है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, UDL जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे पाठचर्या अनुकूलन, क्योंकि आपको पता होता है पाठचर्या अनुकूलन में सीखने की संस्कृतियाँ, समुदाय और शिक्षा की बढ़ती भागीदारी के माध्यम से शिक्षार्थियों की जरूरतों की विविधता को संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने की कह सकते हैं एक प्रकार की प्रतिक्रिया है या सामग्री को, दृष्टिकोण को और संरचनाओं को, रणनीतियों को परिवर्तन में संबोधित करती है। इसमें कह सकते हैं बच्चे को अभ्यास कराना, बच्चे को कैसे तैयार करना, तो आप कहोगे सर बच्चे को समुदाय में जीवन जीने के लिए उन्हें तैयार करना और उन्हें अवसर देना, अभ्यास कराना, सामाजिक मूल्य के आधार पर उनको संचालित करना और बच्चे को सामाजिक स्वीकृति, शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। इसके लिए संसाधनों के द्वारा कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, इन प्राप्त लक्ष्यों को उपलब्ध संसाधन और सीमितता के कारण जो भी लक्ष्य निर्धारण है वो किया जाए, इससे इसके लिए जो संसाधन है उनको बेहतर बनाया जाए। इसमें निर्देशात्मक रणनीति यानी कि स्ट्रेटजीज का भी प्रयोग किया जाए, रणनीतियों का प्रयोग किया जाए। निर्देशात्मक रणनीति में सीखने और प्रदर्शन करने के तरीके, इनको परिभाषित किया जाए। सीखने की रणनीतियाँ छात्रों के विशिष्ट कदम सीखने के प्रदर्शन में मददगार होंगे और कार्य को समय पर करने और असफल तरीके से पूरा करने के लिए इसको बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए सामग्री जो होगी वो बच्चे की जरूरी की जाएगी और समावेशी बच्चे को बनाने के लिए, समावेशी रणनीतियाँ बनाने के लिए हमें नियमित कक्षाओं के साथ साथ बच्चे को बढ़ावा देना, शैक्षिक स्तर की बजाय उसकी उम्र पर ध्यान ना दिया जाए और उसके शैक्षिक स्तर को बढ़ाया जाए। क्योंकि बौद्धिक अक्षम बच्चा है तो उम्र तो बढ़ जाएगी लेकिन जो बच्चे का शैक्षिक स्तर है उसको बढ़ाया जाए। शिक्षकों को अक्सर दोनों समूहों का मूल्यांकन समान कार्यों को करने के साथ करना चाहिए और जो भी विशेष ज़रूरतें हैं सामान्य छात्रों की, जो भी विशेष ज़रूरतें हैं इनको बेहतर बनाया जाए और खेल और समस्या समाधान कौशल जो है बच्चे का अधिक सक्रिय किया जाए। इसमें पाठचर्या, बच्चे की गतिविधियाँ, समुदाय, इनको बेहतर बनाया जाए और कह सकते हैं पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम प्रणाली, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़, इनको भी आगे बढ़ाया जाए। बच्चे को टीम वर्क में काम करना सिखाया जाए।
ऐसे ही यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग या जिसको हम लोग UDL बोलते हैं, तो कहते हैं UDL मॉडल एक ऐसी डिज़ाइन है, एक ऐसा मॉडल है जिसमें सभी के लक्ष्य, विविधता, सामग्री, मूल्यांकन, इनको सभी को शामिल किया जाएगा, जो शिक्षार्थियों को बिना मतभेद किए समायोजित करने के लिए और पर्याप्त लचीलेपन के लिए जानी जाती है। इसमें जो भी बदलाव किया जाएगा वो शिक्षार्थियों के लिए किया जाएगा। ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा जो छात्रों के आवश्यकताओं के अनुकूल होगा, और कह सकते हैं कि जो आकर्षित चीज़ें हैं, आकर्षित जो भी पढ़ाने के तरीके हैं, सीखने की क्षमता है, उसको बच्चे को बेहतर बनाया जाएगा। UDL ढांचे का उपयोग पाठों को सक्रिय बनाने और उसको डिज़ाइन करने के लिए किया जाएगा। जो भी मानक आधारित पाठ हैं उनकी कक्षाओं को, शिक्षार्थियों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सुलभ बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कह सकते हैं कि आपको UDL के अंतर्गत देखने को मिल सकती है। बच्चे को लक्ष्य की ओर निर्देशित करना, लक्ष्यों को पढ़ाना, प्रतिबंधित करना, इसके आधार पर शिक्षण के नए तरीके, इसका अनुकूलन करना, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं इनको बेहतर बनाना। इसके लिए बच्चे के लिए कार्यात्मक पठन यानी कि फंक्शनल रीडिंग साइन बोर्ड के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कह सकते हैं कि चलचित्र के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बच्चे को हमें प्रशिक्षण देना, फ्लैश कार्ड के माध्यम से पढ़ने के लिए, या हम कह सकते हैं बच्चे को अगर हमें लेखन कौशल कराना है तो सबसे पहले बच्चे को हम ट्रेस करना, फिर डॉट डॉट ज्वाइन करना, फिर कॉपिंग यानी कि देख करके, और फिर स्मृति करके यानी कि याद करके। तो ऐसे हम लोग बच्चे को इन चरणों के माध्यम से लिखना सिखा सकते हैं। और पढ़ने के लिए सबसे पहले बच्चे को अक्षर की पहचान, और अगर वो भी हमें सिखानी है तो हम उन्हें फ्लैश कार्ड, चलचित्र, इन सभी माध्यमों से हम बेहतर सिखा सकते हैं। ऐसे ही अंकगणित भी बच्चे को पढ़ाई जा सकती है, जिसमें फंक्शनल अकेडमी की अगर बात करें तो दैनिक जीवन में जितनी भी उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, जैसे 2 चम्मच, 1 फल, तो ये सारी चीज़ें जो एक दैनिक जीवन में बच्चा उपयोग करता है, 2 कटोरी, 1 चम्मच, है ना, इन सभी चीज़ों को प्रयोग करता है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, लंबे समय तक बच्चा याद कर सके, उनको हम वास्तविक अवधारणा में जोड़ करके, जो भी ठोस सामग्री है इसका प्रयोग करके बच्चे को उसके निर्देशों को बेहतर बना सकते हैं। तो ये आपका पाठचर्या अनुकूलन, इसको भी स्टार बना करके, और UDL मॉडल को तो बिल्कुल ऐसे ऐसे 3 बार स्टार बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पाठचर्या मूल्यांकन प्रक्रिया की। आपका 4.5 क्या है, आपका पाठचर्या मूल्यांकन प्रक्रिया, पाठचर्या मूल्यांकन प्रक्रिया। इसके तहत इसका उद्देश्य, क्योंकि जितने भी अगर हमें कोई भी पाठचर्या है उसका मूल्यांकन करना है, तो पाठचर्या मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक परिवेश में किसी भी पाठ्यक्रम को अपनाने और लागू करने के लिए बहुत ही अनिवार्य घटक है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि उद्देश्य क्या तय किया गया है, परिणाम क्या निकल के आया, और उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई, डेटा जो एकत्रित करना था वो कितना बेहतरीन रहा, और परिवर्तन में आवश्यकता बच्चे को क्या रही। क्योंकि पाठचर्या मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, पाठचर्या मूल्यांकन की प्रक्रिया और परिणामों में रुचि रखने वाले जो भी बच्चे होंगे, माता पिता साथ ही साथ ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि बच्चा अच्छा है, प्रभावी शिक्षा मिल रही है, ये सारी चीज़ें बच्चे की रुचि को ध्यान में रखते हुए जानना चाहेंगे कि प्रभावी मानक बच्चे के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, माता पिता और प्रशासक जो है वो कैसे कार्य कर रहा है, और साथ ही साथ जो भी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बनाया गया है, पाठचर्या बनाई गई है, वो कितना प्रभावकारी है,
शैक्षिक कार्यक्रम जो बच्चे को प्रदान किए जा रहे हैं वो कितने श्रेष्ठ हैं और हम उनको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसका भी फीडबैक लिया जाएगा, प्रकाशक का भी फीडबैक लिया जाएगा, जिससे हम लोग जान सकेंगे कि बच्चा और पाठ्यक्रम कैसा है, उसमें और क्या हम परिवर्तन करके बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। उद्देश्य क्या होगा तो कहेंगे उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्यक्रम को सुधारा जाएगा, जो भी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं इनको बेहतर बनाया जाएगा और जो उनमें बदलाव आने हैं उनकी भी ज़रूरत ली जाएगी। ऐसे व्यक्तिगत योजनाएं बच्चे की बनाई जाएंगी तो बच्चे की ज़रूरतों को पहचानते हुए उनकी कमियों से परिचित करते हुए वे सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। ऐसे ही प्रशासनिक नियम भी बनाया जाएगा, यानी कि जो भी व्यक्तिगत शिक्षण बच्चे के लिए कराए जाएंगे, सीखने के अनुभव, सीखने की सामग्री, कर्मचारियों के चयन, शैक्षिक उद्देश्य, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे की कराई जाएंगी, जिससे बच्चा नियमित रूप से प्रशासकों के साथ में, समाज के साथ में आवश्यकता को पूरा कर सके और बेहतर बन सके। तो ये सारी चीज़ें आपके पाठचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं, जिसमें सामग्री क्या है, शैक्षिक लक्ष्य क्या हैं, सामग्री के साथ साथ बच्चे को पढ़ाने के तरीके क्या हैं, संस्कृति और वैज्ञानिक क्षेत्र जो है उसकी बात की जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये 4.5 भी जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आपकी 5 यूनिट की अपलोड कर दी जाएगी और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन आप सर्च कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।